असलम स्नेरियो फर्स्ट ऑफ द सइकेट्रिक डिस पीपील ट्वेंटी फाइव इयर्स ओल्ड मेरिड फीमेल विज इज सट्री ओ पी डी विद हर मदर शी हेज़ बिन सेंट होम बाई हर इन लाज ड्यू टू द एक्सेव क्राइंग एंड आइसोलेशन फ्राम द फैमिली मेम्बर्स उसके सिलसिल वालों ने उसको अपने वापस भेज दिया घर क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रोती थी और अपनी फैमिली मेम्बर से अलग 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 रहती थी हुआ क्या था दरअसल बीस दिन पहले उसने एक आ, उसका बेबी बॉय हुआ था और उसने कहा कि अब मैंने किसी से बात नहीं करनी और वो अपने बेबी के बारे में बहुत कंसर्नड एंड कंसिडर हर सेल्फ इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हिम मतलब वो अपने आप को ना गिल्टी फील कर रही है कि मैं तो इसकी केयर कर ही नहीं सकती हर हस्बैंड इज़ अ बैंक मैनेजर यूजली वर्किंग लेट ऑवर्स तो लाइक लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा पोस्ट डिप्रेशन हाउ यू कैन एक्चुअली डायग्नोस दिस बिकॉज आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स लाइक एक्सेसिव क्राइंग आइसोलेशन किसी से बात नहीं करना चाह रही वो अपने आप को गिल्टी फील कर रही है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती और यह कि उसका हस्बैंड भी जो है वो उसके साथ इतना नहीं रहता और अब वो साइकेट्री ओ पी डी में आई है सो दिस विल बी पोस्ट डिप्रेशन और उनका है कि किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं इंडिकेशंस क्या है इलेक्ट्रोकनफल्सिव थेरेपी की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बुक में आपको जब हमने देखा था ना गायनोकोलॉजी ऑप्स पढ़ी थी तो उसमें हमने जो है प्यडियम का एक पूरा टॉपिक पढ़ा पढ़ा था और आपको याद होगा उसमें हमने देखा था कि बेबी ब्लूज़ क्या होते हैं और पिंक्स क्या होते हैं और इसके अलावा हमने देखा था कि आ, जो है पेप्यूरल साइकोसिस होती है एक चीज़ और इसके अलावा पोस्ट डिप्रेशन होता है एंड वी डिफ्रेंश दोस्ट टर्म्स यहाँ पे हम जो है पोस्ट डिप्रेशन की बात करेंगे आ, वैसे ये जो है गाइनकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट यू शुड एक्चुअली यू, यू शुड एक्चुअली डाइग्नोज दिस काइंड ऑफ सैनैरियोज़ और ये है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप इसकी वैसे आपको क्या लगता है किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी वही चीज़ें होंगी सारी के हाँ उसको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार अगर उसके उसने बच्चा पैदा किया है तो अब उसके बाद उसको सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन इसके लिए ना एक मॉडल होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा ना बुक से जो इसका छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है ना डेविड से मैं वो देख लेते हैं अब ये टेन टू फिफ्टीन परसेंट वुमेन में होता है और विद इन मंथ ऑफ डिलीवरी और विद इन द मंथ ऑफ डिलीवरी होता है इसमें और पोस्टमार्टम ब्लूज़ में क्या डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन द स्वेरिटी इसकी स्वेरिटी भी ज़्यादा होती, होती है इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और फिर वो बताते हैं कि इसमें एक्चुअली प्लेयर लॉस हो जाता है पेशेंट का जिसको हम एन हीडोनिया कहते हैं नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो जाती है इसके रिस्पेक्ट क्या होते हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सॉरी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन एन्जाइटी एंड डिप्रेशन एंटी नेटल एंटी नेटल एन्जाइटी एंड एंटी नेटल डिप्रेशन इसका ट्रीटमेंट जो है वो यही होता है जो हम पढ़ते होते हैं कॉगनेटिव बिहेवियल थेरेपी होती है फैमिली स्पोर्ट सोशल सपोर्ट साइकोलॉजिकल स्पोर्ट होती है और पेशेंट um, एजुकेशन होती है उसकी काउंसलिंग करते हैं हम स्पोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं उसके और फिर हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं विच वी यूज द एंटी डिप्रेशन हॉस्पिटलाइजेशन तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो पेशेंट की उसमें मदर और बेबी की केयर करते हैं और मदर को जो है किन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि कहीं वो अपने आप को हार्म ना कर ले बिकॉज देयर इस इंसिडेंस ऑफ सुसाइड एक तो वो अपने आप को भी मार सकती है और अपने बच्चे को भी मार सकती है अगर वो ज़्यादा उसकी हालत बुरी हो जाए क्योंकि सुसाइड जो होता है ना इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है डिप्रेशन के अंदर तो हमने उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है उसकी ऑब्जर्वेशन करनी होती है इस से आप लिख सकते हो अटैम्प कर सकते हो क्वेश्चन को और इसके बाद एक थेरेपी होती है इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरेपी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ रिव्यू दिया था रखे इलेक्ट्रोकल्सिव थेरेपी हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं ब्रेन में थोड़ी सी स्टिमुलेशन करते हैं कन्वर्जनस प्रोड्यूस करते हैं और उससे पेशेंट की जो है ना ब्रेन की कुछ लाइड इफेक्ट्स आते हैं और ब्रेन के कुछ पार्ट्स के ऊपर हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू जो है उसकी चेंजिंग्स करते हैं इस इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से तो ये चीज़ होती है उसके बाद हम प्रिंशन देखते हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट द पोस्टमार्टम डिप्रेशन सबसे पहले आ जाते है एजुकेशन टू द लोअर टू लोअर द स्टिमुलस टू वर्ड्स द प्रगनेंट वुमेन उसकी प्रेगनेंसी जो है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आती हैं उसको उसमें उसको एजुकेट किया जाए दैन एजुकेशन टू इन्हेंस द कोपिंग टू प्रेगनेंट वुमेन जिसमें उसकी साइकोलॉजिकल कोपिंग होती है फिजिजिकल और स्परिचुअल कोपिंग होती है फिर एजुकेशन टू इनहस द इफेक्टिव अडाप्टन रिस्पॉन्स ऑफ प्रेगनेंट वुमेन फिजिजिकल रिस्पॉन्स सेल्फ केयर रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट रिस्पॉन्स दैन एजुकेशन टू इनहस दोशल सपोर्ट ऑफ द हजबेंड्स तो एक तो मदर की भी इसमें एजुकेशन आ गई है और जो है सोशल सपोर्ट ऑफ द हस्बेंड्स भी हो गया है जिसमें सोशल सपोर्ट ऑफ द हसबेंड बहुत ज़रूरी है एम ऑफ सोशल सपोर्ट फॉर्म्स ऑफ सोशल सपोर्ट इसकी वजह से क्या होगा अडाप्टशन ऑफ प्रेगनेंट वुमेन इन प्रिवेंटिंग द पोस्टमार्टम डिप्रेशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके स्टिमुलस जो है ना उसको अवॉइड किया जाए जो स्टिमुलस है उसमें एजुकेट किया जाए कि प्रेगनेंसी की वजह से बहुत से चेंजेस आती हैं आपके अंदर आपने अपने आप को कैसे ध्यान रखना है अपना कैसे अपना ख्याल रखना है देन अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी कैसे अपने कोप कोप कैसे करना है आपसे साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली और स्पिरिचुअली फिर थर्ड पे कि अडाप्ट कैसे करना है उसमें आपने अपने ख्याल रखना है सेल्फ केयर करना है फिर सोशल सपोर्ट द हस्बेंड्स तो फोर चीज़ें हैं स्टिमुलस लोअर द स्टिमुलस इन्हेंस द कोपिंग इन्हेंस द इफेक्टिव अडेप्टेशन ये तीनों चीज़ें हैं मदर के लिए चौथी चीज़ जो है वो क्या है सोशल सपोर्ट ऑफ द हसबेंड्स तो ये की पॉइंट्स थे इस तरह से आप ड्रॉ कर दें नीचे लिखते हैं कि अडेप्टन ऑफ़ द प्रेगनेट वुमेन इन प्रिवेंटिंग पोस्ट मार्टम डिप्रेशन बाकी जो है प्रिवेंशन में आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि हमने उसको कैसे ख्याल रखना है इस तरह से ना अच्छा उसके बाद इंडिकेशनस ऑफ इलेक्ट्रोकनवल्सिव थेरापी बहुत ज़्यादा स्वियर डिप्रेशन हो जाए सुसाइड का रिस्क हो कि अब जो है ना बस दवाइयों से काम नहीं पड़ रहा और अब इसने सुसाइड का करने का सोच रहा है मैनिया साइकोसिस ऑफ शीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर्स गुड रिस्पॉन्स टू प्रीवियस ई सी टी देन फार्मोकोलॉजिकल इंटॉलरेंस और पुअर रिस्पॉन्स के दवाइयों से आराम नहीं आ रहा और जो है इनटॉलरेंस जैलप हो रही है कैटाटोनिया कैटाटोनिया हमने देखा था कि इसमें एबनॉर्मल से पोस्चर बना के बैठ जाता है बंदा और उसमें पड़ा रहता है काफ़ी देर तक दैट इज़ कैटेटोनिक, देन न्यूरोलैप्टिक मेलेग्नेंट सिंड्रोम जो कि हमें देखा था कि जब एंटीसाइकोटिक थेरेपी करते हैं तो उसका ये एक साइड इफेक्ट होता है एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो so, फिर हम इसकी इंडिकेशन होती है सो so, ये हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिएको थोड़ा सा डिफ्रेंस बता देती हूँ जो पोस्टमार्टम बिलूज़ होते हैं ना वो पहले हफ्ते में स्टार्ट होते हैं और चौदह दिन तक रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज़ और इतने ज़्यादा सवेर नहीं होते जबकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है ना वो मंथ के अंदर जो है स्टार्ट होता है और यर्स तक रहता है ऑफन कंसर्न फॉर द बेबी हेल्थ लोअर एनर्जी इन्जाइटी क्राइंग मूड्स होते हैं इरेटेबिलिटी होती है चेंजिंग इन स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्नस होते हैं सेल्फ हार्म इज़ कॉमन फिर एक चीज़ होती है पिप्यल साइकोसिस ये क्या होती है ये पहले दो हफ्ते के अंदर होती है एकदम से सडनली स्टार्ट हो जाती है स्वीयर कन्फ्यूजन डिवेलप हो जाती है इसमें लॉस ऑफ सेल्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है पैरानोया होता है हेलूसिनेशनस और डिलीजन आती है इसमें तो साइकोसिस में क्या है हल्यूसिनेशनस डिल्यूजनस पहले दो हफ्ते में होगी तो ये हमारी होगी साइकोसिस ब्लूज में क्या होगा सिम्टम्स कम होंगे जस्ट पेशेंट थोड़ी सी ये तकरीबन थर्ड किसी को हो रहा होता है आफ्टर प्रेग आफ्टर डिलीवरी सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट डिप्रेशन अब हम पढ़ने लगे हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स अब हम देखते हैं देखें जरा किस तरह के होते हैं ये डिसऑर्डर्स फोर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड मेल आपके पास आया है मेडिकल uh, स्पेशलिस्ट के पास वो कहता है कि मेरी मुझे स्टमिक कैंसर है खुद ही कह रहा है मुझे स्टमिक कैंसर है अब जी गेस्ट्रो कहता है चलो हम करके देख लेते हैं गैस्ट्रोस्कोपी गैस्ट्रोस्कोपी करवा ली इन्वेस्टिगेशन करवा ली सारी की सारी नॉर्मल लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ कहते है, नहीं आप गलत हैं आप गलत बोल रहे हैं मुझे है मुझे मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है तो दिस इज़ एक्चुअली अ साइकोटिक डिसऑर्डर ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन तो फिर हम इसको क्या लेबल करेंगे एंड हाउ विल यू मैनेज सो इसको देखते हैं सो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ साइकोट्रिक डिसऑर्डर्स जिसमें क्या होता है फिजिकल या हम कहते हैं सोमैटिक सिम्टम्स मतलब बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं दैट आर नॉट मेडिकली एक्सप्लेनड मेडिकली एक्सप्लेन्ड मतलब ना तो वो क्लिनिकली कुछ ऐसा हमें कोई साइंस नजर आएंगे कि वाकई इनको कोई, कोई डिजीज़ है ना ही हम टेस्ट करवाएंगे इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे ना इन्वेस्टिगेशन में कोई टेस्ट पॉजिटिव आएंगे ठीक है तो नॉट एक्सप्लेन बाई मेडिकल कंडीशन मतलब मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स होते हैं एंड नॉट बेटर डायग्नोज और नॉट डायग्नोज होता है कि उनको कोई बीमारी है कोई बीमारी नहीं होतीफॉर्म मीन्स बॉडी लाइक पैथोजे क्या होती है कि कुछ लोगों को जो है हिस्ट्री होती है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो एनजाइटी में होते हैं डिप्रेशन में होते हैं और या फिर उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री होती है कोई ऐसी डिजीज़ की कि अब वो समझते हैं कि वो हमारे अंदर भी आ गई है तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं दिस पिक्चर एक्सप्लेन वेल कि पेशेंट आपको वैसे तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है फिज़िकली कोई उसको सिम्टम नहीं है लेकिन वो जब अपने आप को देखता है ना तो कहता है मैं बीमार हूँ मतलब वो अपने आप को बीमार समझता है लेकिन वो होता नहीं है एंड दिस इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल मतलब वो अपने सिम्टम्स के ऊपर कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हमें वाकई है वो कॉन्शियस में नहीं होते नो कॉन्शियस कंट्रोल वो कंट्रोल में नहीं करते मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि लिंगरिंग नहीं कर रहे होते वाकई में उनको एक साइकट्रिकलनेस होती है वाकई में वो एक प्रॉब्लम उनके लिए होती है लेकिन जो हमें नज़र नहीं आ रही होती मेडिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इसमें सबसे पहले वी हैव द सोमेटो मतलब इसकी ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सबसे पहले ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे होंगे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होंगे वो किसी ऑर्गन से रिलेटेड होंगे ऑटोनॉमिक uh, सिस्टम से रिलेटेड होंगे लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है उसका हो सकता है कार्डिक न्यूरोसिस रेस्परेटरी मतलब पेशेंट को ऐसे लगेगा मेरी सांस नहीं आ रही वो हाइपर वेंटिलेट करता रहेगा सांस को ऐसे ऐसे हा 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 करता रहेगा ठीक है कि मुझे सांस नहीं आ रही हाईपर वेंटिलेशन करता रहेगा हालांकि उसको कोई बीमारी नहीं होगी रेस्परेटरी की और जीआईटी में क्या है कि जीआईटी में उसको जो है साइकोजेनिक वॉमिटिंग आएगी और इरेटेबल बाउल सिंड्रोम आपने एक पढ़ा था जी में जी मेडिसिन में दे, देखा था कि वो स्ट्रेस से रिलेटेड वो पेशेंट की साइकोलॉजिकली इस तरह की चीज़ होती है कि ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो रहा होता है पेशेंट को और उसका भी एक कॉज है साइकेट्रिक तो इसके अलावा मतलब ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है सो दीज आर एक्चुअली द सोमैटिक सिस्टम्स सोमैटिक सिम्टम्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको हम कहते हैं सोमैटो फॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इसमें भी आधा कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी रेस्पेरेटी जी आई टी एग्जाम्पल्स हमने दी हुई है उन्होंने फिर आपको ट्रीटमेंट बता दिया फिर ट्रीटमेंट इसका क्या होता है पेशेंट को बिहेवियर कम्यूनिटी बिहेवियर सारे कर देते हैं वो बाकी सारा सोशल सपोर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली सपोर्ट फिर पेशेंट एजुकेशन फैमिली एजुकेशन और फिर हम उसकी एंटीडिप्रेसेंस दे देते हैं <clears throat> फिर एक चीज़ आती है सोमैटो फॉर्म पेन डिसऑर्डर अब ये क्या होता है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि मेडिकली अनएक्सप्लेन कंडीशन होगी लेकिन पेशेंट कहेगा मुझे स्वीयर प्रजिस्टेंट पेन है मेरी पेन जाती ही नहीं है और उसको हम मेडिकली अनएक्सप्लेन है मतलब उसको हम पेन का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाएं हमें कोई बीमारी नज़र नहीं आएगी बट पेशेंट कहेगा मुझे स्वीयर प्रजिस्टेंट पेन है तो दिस इज एक्चुअली सोमेटोट्राम सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर और इसमें हम क्या देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं एंटी कन्वर्जेंस देते हैं एंटी डिप्रेस में वी हैव द ट्राइसाइकलिक एंटी डिप्रेसेंट एसर सीटर्सिटर्स इसमें भी आव द डोलॉक्सिटिन और एंटी कन्वर्जेंट्स में भी हैव द दर्बामेजिबिन गाबापेंटिन प्रीघाबलिन और इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी वगैरह हो जाएगी मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट हो जाएगी ठीक हो गया फिर आता है क्रॉनिक फी फटी इसमें देखें इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि पेशेंट जो है ना क्या करेगा कि जो है मतलब ना बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेन होगा एक्सेसिव फटीग आफ्टर मिनिमल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन थोड़ा सा काम करेंगे थक के बैठ जाएंगे और फिर पोअर कंसंट्रेशन होगी डिजीनेस होगी मसल एचीज होंगे स्लीप डिस्टर्बेंसेज ना सोया जाएगा मतलब क्या हम थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे मतलब कि उनको कोई बीमारी नहीं होगी ठीक है दिस इज एक्चुअली क्रॉनिक क्रॉनिकटीक सिंड्रोम और एक्सेसिव अटीक होती है अब ये होता है कि वो कहते हैं कुछ लोगों में कुछ वायरल इन्फेक्शन के बाद जो है ये चीज़ होती है अगर फान मसूद में ना आपकी चीज़ गलत लिखी है मेमिक्स द वायरल इफेक्शन ये होता है इट इज़ इट फॉलोज अ वायरल इफेक्शन कुछ लोगों को वायरल इफेक्शन हुआ होता है उसके बाद ये चीज़ हो जाती है थोड़ी देर के लिए तो इसमें यह होता है कि ग्रेडिंग एक्सरसाइज करवाते हैं मतलब थोड़ी थोड़ी करके पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो जो उसकी फटीग है वो उसकी बॉडी जो है उसके साथ न, न, मतलब हो जाए ना और इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं जिसमें भी अदर ट्राइसैक्टिंग एंटी डिप्रेशन एक्सरसाइज एंटी कन्वर्जन में भी आदर गावा पे एंटीन एंड प्री गाप लेना गन तो एक पेशेंट आपके पास आता है और वो मुझे वो आपको कहता है कि मुझे जो है ना बहुत सवियर परसिस्टेंट पेन है और डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं है ठीक है यू है मतलब कोई डिजीज़ नहीं है मतलब वो उसको नहीं बताएंगी उससे पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं बस काउंसलिंग वगैरह करते हैं हम अच्छा ठीक है इस तरह करके ना वो उसमें देखेंगे हम मेडिकली जब वार्ड में जाएंगे तो किस तरह से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं दैट इज़ अनदर थिंग हाउ विल यू एजुकेट द पेशेंट लेकिन पेशेंट वीर प्रजिस्टेंट पेन की कम्प्लेन करेगा विच इज़ नॉट मेडिकली एक्सप्लेन मेरे सर में दर्द है मेरी टांग में दर्द है मेरे पाव मेरी यहाँ पर दर्द है मेरी यहाँ पर दर्द है लेकिन वो दर्द की कोई वजह नहीं होगी ठीक है क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम थोड़ा सा काम किया थक गए थक गए बैटरी डाउन हो गई दिस इज़ क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम फिर वी हैव द कन्वर्जन डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि आ, ये भी आ, जो है नॉट एक्सप्लेंड बाय ऑर्गेनिक डिजीज़ कोई डिजीज़ नहीं होती लेकिन लॉस हो जाता है और डिटॉशन हो जाती है डिस्टॉशन हो जाती है ऑफ मोर देन वन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस इसका कॉज़ क्या होता है कि रिसेंट कोई स्ट्रेस आया था लाइफ में या एडवर्स चाइल्डहुड था पेशेंट का या उसका फ़िज़िकल या सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ था किसी तरह तो फिर उसको ही कन्वर्जन डिसऑर्डर हो जाता है इसमें डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं लाइक किसी का सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा प्लस मोटर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट सिस्टम्स बॉडी के इन्वॉल्व हो जाएंगे लाइक like वो आपको बता रहे हैं कि फॉर uh, एग्जांपल किसी को जो है ना मेमरी uh, उसकी जो है इन्वॉल्व हो जाएगी साइकोलॉजिकल फंक्शन जब इन्वॉल्व होगा तो उसकी मेमोरी इन्वॉल्व हो जाएगी इसको कहते हैं डिससोसिएटिव एमनीजिया मेमोरी लॉस होगी इसके साथ साथ उसको सेंसरी सिमटम सिम्टम्स आए सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो उसको एनिजीजिया होगा मतलब या तो पेन बिल्कुल फ़ील नहीं होगी पेरस्तीजिया uh, कभी बहुत ज़्यादा फील होगी कभी पेन आल्टरनेट फ़ील होगी मतलब बिल्कुल फ़ील नहीं होगी और कभी उसको वो कहेगा मैं अंधा हूँ ठीक है हालांकि वो अंधा नहीं होगा तो सेंसरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा मोटर सिस्टम में क्या कहेगा मुझसे चला नहीं जाता मुझे वीकनेस है टिक्स ट्रामर्स उसको डेवलप हो जाएंगे मतलब मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए ना मोर देन वन तो दैट इज़ द इक्वल और मोर देन वन दिस इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ एक यहाँ से ठीक है तो वो कहता है कि uh, कोई फिजिकल बेसिस नहीं है वो कहता है मैं ब्लाइंड हूँ मुझ में अंधा हूँ हालांकि वो अंधा नहीं है सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ पैरालसिसिस मतलब वो कहते हैं मेरा ये हिस्सा काम नहीं कर रहा बिल्कुल पैरालाइज हो गया हालांकि वो नहीं है तो uh, क्या है दिस इज़ एक्चुअली द मोटर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन एबिलिटी टू स्वेलो अगेंस इसके मैं खा नहीं सकता मेरा खाना अटक जाता है अदरवाइज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई क्लेजियर सेक्ट्रा उसका नहीं है ठीक है तो दिस इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन डिसऑर्डर वैन मोर देन वन न्यूरोजिकल फंक्शंस आर डिस्टोर्टेड और दैन इज़ ए सोमिटाइजेशन डिसऑर्डर इसको ना हम ब्रिक्वेट सिंड्रोम ही कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था एक पेशेंट था उसको ना मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे और ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन होते हैं मतलब वो कहते हैं मुझे ये भी प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम है और उसकी हिस्ट्रीज़ होती हैं लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्रीज़ होती हैं मुझे एक दफ़ा ये हो गया था एक दफ़ा ये हो गया था इन्वेस्टिगेशन उसकी बिल्कुल नेगेटिव आती हैं उसने ऑपरेशन भी करवा लिए हिस्ट्रक्टमी भी करवा ली कॉलिसटमी भी करवा दी है लेकिन उसका वो मसला हल नहीं हुआ तो इसका आ, मसला ये होता है कि अब पेशेंट्स में वो क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन्स करवाते रहते हैं डॉक्टर से तो होता उनको कुछ भी नहीं है तो उनके पैसे ही खर्च होते हैं ना तो हमें उनको छोड़ करवाना होता है ख्याल रखना होता है उनका प्राइमरी केयर टेकर होना चाहिए कि वो उनको जो है ना अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और सर्जिकल प्रोसीजर्स से अवॉइड करवा सकें क्योंकि एक तो इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी करवाएंगे तो एक तो दो फजूल पैसा खर्च होगा और दूसरा ये कि अगर फजूल में सर्जिकल प्रोसीजर्स कर परफॉर्म करते रहेंगे तो उससे उसकी हाइड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना उसके अंदर बॉडी के अंदर बार बार सर्जरीज करेगा तो बार बार बॉडी पे ऊपर कॉम्प्लिकेशनस आएँगी सो वी हैव टू जस्ट डी लाइक दिस एंड uh, तो ये हमारा है कि ब्रिकव स्टेडियो भी कहते हैं कि मल्टीपल एंड क्रॉनिक अन एक्सप्लेन फिजिकल सिम्टम्स दैट मे अगर डिफरेंट साइड सिमल्टेनियसली लाइक गेस्ट्रो इंडस्टानल सेक्शल और सूलो न्यूरोजिकल सिम्टम्स जगह जगह पर उसको प्रॉब्लम हो रही है उसे समझ नहीं आ रही लेकिन कोई मसला नहीं है दैन आता है हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है आपको याद करना पड़ेगा हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर इसमें ना पेशेंट को स्ट्रॉन्ग फियर और बिलीफ होता है कि मुझे कैंसर है मुझे कोई फैटल डिजीज़ है कि बस इसके बाद मैं मर जाऊँगा लेकिन आ, हम उसको उनको मेडिकली एशोर sure करते रहते हैं कि आपको कोई कैंसर नहीं है आपको कोई बीमारी नहीं है नहीं है कोई बीमारी उनको इतना समझाते हैं इतना समझाते हैं लेकिन उनको असर नहीं होता और उनको डिलीवियज होना शुरू हो जाती हैं इस बारे में कि नहीं मुझे बाकी है तो हम इसको ओ से भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं हम इसको डिलीविन से भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और फिर इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि हम सी वी जी थेरेपी एंटी साइकोटिक्स देते हैं और इसके अलावा ये एश्योर करते रहते हैं पेशेंट को इसके एक एग्जाम्पल ये है कि इन्फेस्टेशन पेशेंट कहता है कि मेरे अंदर पैरासाइट्स चले गए हैं और मैं मतलब मुझे जो, ये, दिजन, जो है न्यूजनल पैरसाइटोसेस जिसको कहते हैं कि पेशेंट कहता है कि मेरे अंदर जो है ना पैरासाइट्स चले गए हैं वो मुझे इधर उधर हमला कर रहे हैं तो वो मल्टीपली जो है ना डरमाटोलॉजिस्ट के पास जाता है इस वजह से कि मेरे पैरासट्स बाहर निकालो तो इसलिए एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने ठीक है अब उसका ट्वेंटी फिफ्थ डॉक्टर विजिट है बार बार डॉक्टर के पास चला जाता है डॉक्टर को तंग करने के लिए जी मेरे दिल को ये हो रहा है तो ये दिल को जो हो रहा होगा ना ये इसकी मतलब अब मैं मरने वाला हूँ मुझे एक हार्ट अटैक हो गया है मेरे दिल में कोई मसला है ठीक है तो ये ऑटोनॉमिक वाला होगा मैं मर जाऊँगा ठीक है साथ में मुझे एक कैंसर है जैसे यहाँ पे कैंसर बनाया हुआ है मुझे मुझे बताओ प्रूफ तो मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाओ अब डॉक्टर कहेगा नहीं तुम्हें कोई मसला नहीं है तुम्हें हाइपोकॉन्ड्रेसिस है मसला नहीं है तुम्हें कोई कैंसर नहीं है कुछ भी नहीं है तुम्हें नहीं तुम मर जाते बट वो इंसिस्ट करता रहेगा आ जाता है, है बॉडी डिसफॉर्मिक डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर्स के नाम से आपको पता चल रहा है पेशेंट कहेगा कि मैं जो ना मैं ना डिस्फ़िगर्ड हूँ ठीक है मतलब वो वुमेन में, में ज़्यादा कॉमन होता है बार बार अपने आप को शीशे में देखती रहती है अपने चेहरे को देखती रहती है और अपने आप को छुपाती रहती है कि मैं मैं मेरी मैं प्यारी नहीं हूँ या इस तरह से मैं प्यारी नहीं हूँ इस तरह से मेरा फेस ऐसा है और फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरीज बार बार करवाती रहती हैं और मतलब इस तरह ना अपने आप को नहीं सही समझती ना तो इसके साथ साथ एंजाइटी डिप्रेशन फैमिली हिस्ट्री हो सकती है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की इसकी ट्रीटमेंट यही है कि एंटी डिप्रेशन सी बी टी एंड एंटीसाइकॉटिक्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से करवाती हूँ बाकी हिस्सा इसका